अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, आप सभी ने भी देखा होगा, लेकिन आज उसका जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई सारे नौजवान ऐसा से कमतरी में मुबतला होते दिखाई दे रहे। एक नौजवान लड़का नोएडा की सड़क पर देर रात दौड़ लगा रहा है, रात में उसे फौज में भर्ती होना है और वो रात में दौड़ लगा रहा है। फिल्म डायरेक्टर विनोद कापड़ी ने इसे देखा और कुछ सवालात किए जो आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। विनोद कापड़ी उसे कार से घर तक छोड़ना चाहते थे, छोड़ने की बात भी करते हैं लेकिन वो उससे इनकार करता है। खैर, आपने भी इस वीडियो को देखा होगा, लेकिन इत्तेहाद न्यूज़ के जरिए इस वीडियो को दिखाने का मकसद यह है कि अज़्म बहुत ज़रूरी है। माशरे के नौजवानों में इस चीज़ की कमी पाई जा रही है। अगर कोई अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेता है तो किस हद तक कोशिश करता रहता है और आगे इन्हीं जद्दोजहद करने वालों के साथ अल्लाह की मदद भी होती है। खासकर मौजूदा दौर में नौजवान जहरी दबाव में देखे जाते हैं, इन्हें पढ़ने लिखने के बाद नौकरियां नहीं मिलती तो मायूस भी हो जाते हैं। महंगे मोबाइल, वीडियो गेम या फिजूल खर्ची जो खुद नहीं कमाते बल्कि वालिदैन से ही ले लेते हैं। और एक बड़ा तबका कुछ होने वाला नहीं है कि ज़हनियत में मुलव्वस पाया जाता है। ये वीडियो उन नौजवानों के लिए जो आराम पसंद जिंदगी जीना चाहते हैं या उसके आदी हो चुके हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इन्हीं कट्टों पर बैठकर आवारागर्दी करने वालों के लिए भी कहा कि आह किसकी जस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, मंजिल भी तू, कांपता है दिल तेरा, अंदेशा है तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर कश्ती भी तू, साहिल भी तू। इस वीडियो के जरिए उस कौम के नौजवानों को यह पैगाम है कि आखिर किस अंधेरों में ये कौम के नौजवान, जिनके हाथों में कौम और इस मुल्क का मुस्तकबिल होता है, किस तरह से भटकते जा रहे हैं। कोई मंजिल, कोई रास्ता नहीं, मुसीबतों के पहाड़ तो सामने हैं लेकिन ज़िंदगी का मतलब ही यही है कि मुसीबतों से, चुनौतियों से डर कर हार जाना नहीं बल्कि टकराना है और पहाड़ों को चीर कर रास्ते बनाना है। 19 साल का लड़का पसीने में लथपथ, पसीने में तर हुए दौड़ लगा रहा है ज़िंदगी के रेस में। कैसे कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, तभी तो कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन लोगों के लिए मिसाल जो ऐसा से कमतरी का शिकार है, शकील बदायूं के अशार कहते हैं कि रहबर की ना फिक्र मंजिल की कर रहा हूं मैं पैरवी, दिल ही खो गया जुस्तजूए शौक में जब मिल गई मुझको राह मंजिल की। आइए देखते हैं उस वीडियो को और कुछ सीखने की हम सभी कोशिश करते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। छोड़ देता हूँ मैं तुमको। आप देख रहे हैं इत्तेहाद न्यूज़। दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? सबका इत्तेहाद। दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ के जाता हूँ। मैं शकील, कहाँ काम करते हो? कर रहा हूँ सेक्टर 16 गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना, गाड़ी में छोड़ देता हूँ। खाप होते जुमला दौड़ क्यों है अभी? आर्मी के लिए, आर्मी के लिए। ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो खाप देखकर किसी जगह पर हुकूमत करने की ठान ले। चले आपको बताते हैं एक ऐसे सुल्तान के बारे में जिसके ख्वाब ने उसकी तकदीर बदल दी। 1154 में पैदा होने वाले उस्मान गाजी जो अर्तगुल गाजी के बेटे और नहायत बहादुर इंसान थे। ये 13वीं सदी की बात है जब रोमन हुकूमत आखिर सांस दे रही है। इस सल्तनत एक छोटी सी रियासत सौगत के तुर्क सरदार उस्मान गाजी ने उन्हें की उस्मानी है। वो दिन फाकिल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब माने यार प्रदीप, कितनी उम्र है तुम्हारी बच्चे? उस्मान गाजी ने ख्वाब देखा ने कुदरत का इशारा पाते आस पास और कई रियासतों को बेदर्दी से शिकस्त देकर तो लिया के बड़े गाट दिया। गलत काम धारणा कर रहा हूँ। सल्तनत 607 किलोमीटर है। 3 बर्रे आजम मान قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
बाशिवान सुन्नी मुस्लिम कमेटी की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह चादर व गुलपोशी का इंतमाम बड़े अदब को एहतिशाम से किया गया और जमील पाशा साहब इनामदार के घर से अब ये जुलूस बड़े एहतराम और अदब के साथ रवाना है। के तमाम लोगों से गुजारिश है कि कल हमारी सुन्नी मुस्लिम जमात की तरफ से जो दावत कल की रखी गई है आप हजरात शिरकत फरमाएं। ग्राउंड में जो है आप लोग आ जाएं, कोई गली में जो है आप लोग वहाँ प्रसाद के लिए आ जाएं, आप लोगों को भी खाने का इंतजाम किया गया है। देखे गुल नबुव्वत के गुलिस्ता में विलायत की कली देखे, रोजा कितना प्यारा है रोजा मेरे बाशेबान बाबा का, कितना प्यारा है रोजा। Allahumma salli ala Muhammad.